नमस्कार, आप देख रहे क्राइम टॉक, मैं हूँ अश्विनी सिंह। बेंगलुरु से एक खबर सामने आई थी जहां पर अतुल सुभाष ने खुद से मौत को गले लगा लिया। इसके साथ ही उन्होंने वीडियो बनाया और 23 पन्नों का वो नोट लिखा जिसमें उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई थी। ये यहां तक की खबर आपको पता होगी, लेकिन आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आखिर ये 23 पन्नों का नोट लिखने में अतुल ने कितना समय लिया था और उसने किस तरह से पूरा मैनेज किया था। और ये बकायदा उसने हर एक चीज़ का जिक्र किया। जब पुलिस बेंगलुरु के उसके घर पहुंचती है तो वहां पर दीवार पर कुछ पुलिस को नोट मिलता है, वो चेकलिस्ट मिलती है जिसमें अतुल ने सारी चीज़ें लिखी थी और क्या कुछ उसे करना था, ये सब का जिक्र उसने उस चेकलिस्ट में किया था। इस वीडियो में चेकलिस्ट की भी बात करेंगे और आखिर अतुल एक महीने से क्या कुछ प्लान कर रहा था, वो सब कुछ बेंगलुरु पुलिस के हाथ लगी है, जो इस वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। नंबर एक पर बात करेंगे कि जैसे ही अतुल का वीडियो वायरल होता है, खबर सामने आती है, बेंगलुरु पुलिस पहुंचती है बेंगलुरु के उसका अतुल के घर पर जहां पर उसकी डेड बॉडी बरामद होती है। अब पुलिस वहां तहकीकात करती है क्योंकि वो क्राइम जहां पर इस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया था, पुलिस वहां पहुंची तहकीकात करती है तो पुलिस को अतुल के घर के दीवार पर एक बकायदा चेकलिस्ट मिलता है। ये चेकलिस्ट जो होता है 3 कॉलम में उसे बांटा गया था जिसमें कई चीज़ें हो गई थी जिसे अतुल ने बकायदा टिक किया था कि ये काम हो गया है और उसने हर एक सेक्शन में सारी चीज़ें मेंशन की थी कि क्या कुछ उसे करना है। ये जो उसने चेकलिस्ट बनाया था ये 3 कैटेगरी में बांटा था। बिफोर लास्ट डे यानी मरने के लास्ट दिन तक क्या कुछ करना है, वो सारी चीज़ों का जिक्र उसने एक कॉलम में किया था। दूसरे कॉलम में उसका था कि लास्ट डे क्या करना है, मतलब मौत के दिन उसे क्या कुछ करना है, वो उस लिस्ट में उसने सारी चीज़ें लिखी हुई थी। अब उसने थर्ड कॉलम जो बनाया था उसमें लिखा था एग्जीक्यूट लास्ट मोमेंट, यानी मरने के कुछ क्षण पहले जो चीज़ें थी कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो सारी चीज़ें उसने उस कॉलम में मेंशन की थी। आपको बता दें कि इस लिस्ट के बारे में जब पुलिस वहाँ जाती है और पढ़ती है तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल अतुल सुभाष ऐसा माना जा रहा है कि एक महीने पहले से भी वो प्लानिंग कर रहा था। जिस तरह से उसे कोर्ट में टॉर्चर किया गया था, जिस तरह से हैरेसर्स उसे टॉन्ट मारे थे, ये सारी चीज़ें शायद अतुल के जहन में उतर गया था और वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से वो खुद इतना हैरान परेशान रह गया था कि उसे लग रहा था कि उसके ही पैसों से उसे ही टॉर्चर किया जा रहा, जिसकी वजह से उसे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन करना होगा सिक्वेंस, एल्स ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहेगी, जिसकी वजह से उसने मौत को गले लगा लिया। और ये सारी चीज़ें, वो सारा दुख अपना उस नोट में लिख के जाता है जिसमें बताता है कि किस तरह से उसके साथ सारी चीज़ें हो रही थी। आपके पास भी ये नोट पहुंची होगी जिसमें आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन आपको बताएंगे कि जो पुलिस वहां बेंगलुरु के फ्लैट में पहुंची थी और उसे क्या कुछ मिलता है उसके बारे में। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो ये चेकलिस्ट का 3 कॉलम मिलता है जिसमें सारी चीज़ें लिखी थी और ये लिखावट अतुल की थी। अतुल ने बकायदा सारी प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम दिया था कि उसे कैसे किस तरह से मौत को गले लगाना है और कब लगाना है। हालांकि उसने ये भी हवाला दिया था, उसमें पुलिस का ऐसा मानना है कि सरकारी कामकाज जो थे, क्योंकि उसने बकायदा अपना प्लान किया था जिसकी वजह से उसे लगता था कि उसके जाने के बाद उसके रिश्तेदार यानी उसके घर परिवार वालों को तकलीफ ना हो, किसी भी तरह से परेशानी ना हो, जिसकी वजह से उसने हर एक छोटे छोटे कदम, हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा और उसका बकायदा नोट बनाया जिसमें वो टिक करते गया कि ये काम हो गया, ये काम हो गया, और इसके जाने के बाद अब किसी को कुछ नहीं होगा। तकलीफ तो होगी क्योंकि उनका बेटा, नौजवान बेटा इस तरह से गया है, उसने ये चीज़ें अपने नोट में लिखा था, लेकिन वो जाते जाते अपने माता पिता के लिए, अपने भाई के लिए और अपने बच्चे के लिए सारी चीज़ें उस नोट में लिख के जाता है। अब बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ उस नोट में लिखा था। तो आपको बता दें कि इस नोट में पहला जो था, फिंगरप्रिंट हटाना, यानी मोबाइल, जो अतुल का मोबाइल फ़ोन था, अमूमन आप और हमारा भी जो फ़ोन होता है लॉक होता है, तो वो आपके या तो फिंगरप्रिंट से होता है या तो फिर फेस रिकॉग्निशन से। तो उसने फिंगरप्रिंट हटाना उसने उस चेकलिस्ट में मेंशन किया था कि जाने के कुछ समय पहले, मतलब कि वो अपना मोबाइल का फिंगरप्रिंट हटा देगा, लॉक हटा देगा, और फेस रिकॉग्निशन अगर जिस तरह से उसके मोबाइल में सिक्योरिटी थी तो वो सारी चीज़ें हटा देगा, ताकि
इसके बाद जिसके भी हाथ वो फ़ोन लगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें जो अतुल ने उसे संजो के रखा था, संभाल के रखा था, जो एविडेंस के रूप में आगे इस्तेमाल भी होगा, तो उसने इस चीज़ के लिए एक्सेस मिल सके उसने वहाँ से लॉक हटा दिया था। और ये काम मरने के ठीक वक्त पहले, यानी एग्जीक्यूट लास्ट मोमेंट जो उसने कॉलम बनाई थी उसमें ये सारी चीज़ें लिखी थी कि ये सारी चीज़ें एकदम लास्ट मोमेंट पर करना है। इसके बाद उसने लिखा था कि कार, बाइक, कमरे की चाबियाँ जो है, जाने के कुछ क्षण पहले जो उसने वो थर्ड कॉलम बनाए थे उसमें ये सारी चीज़ें लिखी थी कि चाबी, बाइक की चाबी, कार की चाबी, इसके साथ ही उस घर की चाबी जो है वो उस घर के फ्रिज जो होता है, फ्रिज के ऊपर उसने वो सारी चीज़ें रखी थी। यानी हर एक छोटी छोटी चीज़ें उसने बकायदा उस नोट में लिखा था जो जाने के पहले उसने सब कुछ पूरा किया। इसके साथ ही उसने ये भी मेंशन किया था कि ऑफिस के काम को पूरा करना है, क्योंकि वो शुरुआत से, उनके पापा का भी मानना था कि वो शुरुआत से बहुत तेज़ था, पढ़ाई में अच्छा था। इसके बाद उसने AI इंजीनियरिंग की थी, जिसके बाद वो अपने काम में काफ़ी तरक्की कर चुका था, वो अच्छे मुकाम पर पहुंच चुका था, जिसकी वजह से वो अपने काम को लेकर भी काफ़ी अवेयर होता था। तो उसने ये तक मेंशन किया है कि ऑफिस में जो उसका लास्ट डे होगा और जो उसे काम दिया जाएगा वो उसे पूरा करेगा। इसके बाद उसने उस लिस्ट में ये भी लिखा था कि ऑफिस से जो लैपटॉप और चार्जर मिले थे उसे, वो भी उसे ऑफिस को बकायदा सबमिट करना है। अब सोचिए आप कि मरने के पहले एक इंसान ये बखूबी सारी चीज़ें ध्यान रखता है, और छोटी छोटी हम आपसे भूल जाएंगे चीज़ें, लेकिन उसने बकायदा ये सारी चीज़ें लिस्ट बनाई थी जो जाने के पहले उसने किया, और वो बकायदा लैपटॉप और चार्जर ये सब सबमिट भी किया था। आपको बता दें कि जहाँ चेकलिस्ट अतुल का चेकलिस्ट मिला है, उसके ठीक बगल दीवार पर एक नोट लिखा हुआ था, वो चिपकाया हुआ था, जिसमें लिखा था, पेपर नोट था वो, इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप अतुल ने जिस तरह से 23 पेज के वो नोट लिखे हैं, उसमें भी उसने लिखा है कि जस्टिस इज ड्यू, यानी न्याय अभी भी बाकी है। सोचने वाली बात है कि एक शख्स मरने के एक महीने पहले बकायदा चेकलिस्ट बनाता है, जिसमें वो प्लान करता है कि मरने के पहले, यानी ज़िंदगी के आखिरी दिन से पहले उसे क्या कुछ करना है। इसके बाद वो ये लिखता है कि मौत के दिन उसे क्या कुछ करना है, और इससे थर्ड कॉलम में लिखता है कि मौत से पहले क्या कुछ करना था, वो सारी चीज़ें वो लिख के जाता है। इस लिस्ट में आपको बता दें कि उसने ये भी लिखा था कि जो जो काम होते गया है उसे मार्क करना वो भूलता नहीं था। तकरीबन जो चीज़ें जैसे सीक्वेंस में लिखा था वो चीज़ें वैसे करता गया, और चेकलिस्ट में वो मार्क करता गया कि ये काम हो गया है, ये काम बाकी है, अगले दिन के लिए फिर से वो स्टार्ट करता था। जैसे जैसे चीज़ें पूरी होती थी वो वहाँ पर चेकलिस्ट में अपना मार्क करता था। इसमें सबसे बड़ा जो 5-6 पॉइंट्स उसने लिखे थे, ये वो थे कि पैसे सेव करना, यानी जो भी उसने अपना फंड इकट्ठा किया हो अपना, क्योंकि वो कमाता था तो ऐसे में उसने सेफ मनी किया होगा, जो उसने बकायदा अपने पैसे को किसके पास मिलना चाहिए और किसे मिलना चाहिए उसके मरने के बाद, वो बकायदा उसने वो सारी चीज़ें करके गया था। और इसके साथ ही ऑफिस का काम पूरा किया, और तो और बता दें कि इस नोट में उसने लीगल प्रिपरेशन के लिए भी तैयारियां की थी। जिस तरह से आपने देखा होगा कि मरने के पहले का जो उसने डॉक्यूमेंट जो लिख के गया है, उसमें उसने ये लिखा था कि जिस तरह से उसके और उसके परिवार के खिलाफ ये केस हुआ है, और जिस तरह से उसकी वाइफ उन्हें टॉर्चर या असॉल्ट कर रही थी, तो ऐसे तमाम केस जो थे, फॉल्स एलिगेशंस जो लगाए थे, तो ऐसे में ये सारी चीज़ें रद्द होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए, जिसके बाद ये चीज़ें लीगली तरीके से डील करना चाहिए, और उनके जाने के बाद किसी भी तरह से उनकी फैमिली को टॉर्चर नहीं करना चाहिए, जिस तरह से उनके जीते जी वो सारी चीज़ें हो रही थी और वो अपने सामने ये सब चीज़ें नहीं देख पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने मौत का रास्ता चुना। उन्हें ज़िंदगी इतनी छोटी लगने लगी कि वो अपने मौत को चुनते हों, और जिसमें जाते जाते अपने माता पिता भाई और अपने बेटे के लिए वो सारी चीज़ें लिख के जाते हैं, जो आप और हम सोचते रह जाएंगे कि आखिर मरने के पहले एक शख्स के दिमाग में, दिलो दिमाग में ये सारी चीज़ें कैसे चल रही थी, और इस तरह से वो कैसे टॉर्चर या प्रताड़ित, मेंटल उसका लेवल आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे रहा होगा कि उसने बकायदा ये सारी चीज़ें लिख के गया था। इतना ही नहीं, क्योंकि अतुल AI इंजीनियर था, उसने बकायदा अपनी सारी चीज़ों का, कि अगर गलती से भी किसी तरह से डेटा अगर किसी कहीं से भी डिलीट होता है, तो वो डेटा का बैकअप भी लिया था, और सभी कम्युनिकेशन जो भी उसके पास एविडेंस थे उसे इकट्ठा किया, और बकायदा उसने अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में सारी चीज़ों का वहाँ पर रखा था, ताकि बेंगलुरु पुलिस के हाथ ही सारी चीज़ें लगे, और उसे आगे चलकर जैसे भी इस केस में अपडेट होगा और जैसे ही ये प्रोसीडिंग होगी, तो उसे मदद मिल सके, उसके परिवार को मदद मिल सके।
हालांकि जाते जाते अतुल ने चेकलिस्ट में ये मेंशन किया था कि सरकारी कामकाज की वजह से उसकी मौत में देरी हुई। अब यहाँ भी गौर करने वाली बात है कि आखिर एक मौत को भी रुकना पड़ा सरकार के आगे, सरकारी कामकाज के आगे, वरना अतुल जो है वो पहले ही मौत को गले लगा लेता। अब ये सही नहीं है जिस तरह से अतुल ने अपनी मौत को गले लगाया, क्योंकि उसे लड़ना चाहिए था। जिस तरह से उसके पिता का कहना है कि वो बार बार कहता था कि जिस देश में भगत सिंह जैसे लोग रहे हों, ऐसे लोगों से प्रेरणा मिलती थी, ऐसे लोगों से सीख मिलती थी कि हमें लड़ाई लड़ना चाहिए, तो ऐसे में उसने कानूनी दस्तावेज, कानूनी लड़ाई जो थी वो अपने आप से उसने सारे डॉक्यूमेंट जो ड्राफ्ट किए थे, उसके बाद वो जौनपुर के कोर्ट में जाता था, लेकिन वहाँ पर उसने घुटने टेक दिए थे जब उसे लगा कि यहाँ पर कानून व्यवस्था तो इतना लचीला है कि पैसों के आगे सारी चीज़ें यहाँ पर ढीली पड़ जाती है। और वो कोर्ट जहाँ पर उसकी वाइफ और वो गए थे, फैमिली कोर्ट था जहाँ पर उन्हें न्याय की दरकार थी, वहाँ पर उन्हें ऐसा जलील किया जाता है कि आखिरकार वो प्लान बनाते हैं और इतने बारीकी से प्लान बनाते हैं कि सारी कुछ लिख कर वो अपने खुद से मौत को गले लगा लेते हैं। इस तरह से जाते जाते अतुल ने सारी चीज़ें लिखी और जिसमें उसने ये मेंशन किया कि सरकारी कामकाज थी जिसकी वजह से समय लग गया, वरना ये काम पहले ही पूरा हो जाता। और तो और बता दें कि वीडियो में जिस तरह से अतुल ने सारी चीज़ें मेंशन की थी, अपने बेटे को लेकर कुछ वर्ड्स कहे थे, अपने भाई, अपने माता पिता को लेकर कहे थे, ये सब चीज़ें अब जिस तरह से सामने आ रही है उसे देखकर माता पिता भी खुद के आंसू रोक नहीं पा रहे हैं। आपको बता दें कि जब अतुल के पिता से लोगों ने कुछ सवाल किया था इस पर, पिता कैसे उनके आंसू नहीं थम रहे थे। एक बार आप उनसे सुनिए कि आखिर पिता ने अपने अतुल के बारे में क्या कुछ बताया और अतुल कैसा लड़का था, एक बार उनके पिता से सुन लीजिए। खाना बनवाया है, पोछा लगवाया है, उसके बाद उसको बोला नहीं, बाद में बोला है। मेरा बच्चा सब कुछ किया, उस बात को एक्सेप्ट भी की है, मेरी बहू भी एक्सेप्ट की है, जज के सामने उसका बाकायदा वहाँ रिकॉर्ड है कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने इस करवाया है, ऐसा लिखी है, उसका दस्तखत है। आप बताइए, जो आदमी अपनी पत्नी को पहुंचाने जाता था बेंगलोर में 17 किलोमीटर आता था, आप सोच के देखिए बेंगलोर का जाके ट्रैफिक देखिए कितना कठिन है, वहाँ से एयरपोर्ट से जाइएगा 45 किलोमीटर, 3 घंटा लगेगा, वहाँ का इतना ट्रैफिक जाम रहता है। उसमें वो जाता था, फिर अपनी ड्यूटी करता था, वो 12 घंटा ड्यूटी करता था, 8 घंटा उसको है ना, वो 12 घंटा ड्यूटी करता था, रिसर्च मैन था, अपने जूनियर को कहता था बेटा कुछ सीखना है तो तुम मेरे साथ 12 घंटा करो, नहीं तो तुम जाओ। बहरहाल आपको बता दें कि अतुल सुभाष ने जिस तरह से अपनी जिंदगी को खत्म किया ये किसी भी तरह से सही नहीं था। हाँ, लेकिन वो जिस तरह से जिस लेवल की प्रताड़ना वो झेल रहे थे ये आप और हमारी सोच के परे है, क्योंकि एक इंसान अगर इस तरह से ठोस कदम उठाता है तो ऐसे में सोचने वाली बात है कि उसका मेंटल ट्रॉमा, मेंटल स्टेटस किस लेवल का रहा होगा कि जिसकी वजह से उसे अपनी ज़िंदगी छोटी लगने लगती है और वो मौत को इतने खुशी खुशी मौत को गले लगा लेता है कि जिसके बाद उसके परिवार और लोग, जिस तरह से उसकी चीज़ें सामने आई है, लोग अभी भी खौफ से नहीं निकले हैं कि इस तरह से भी कोई औरत अपने हस्बैंड को टॉर्चर कर सकता है, और इतना टॉर्चर कि उसका जो हस्बैंड है इस तरह से ठोस कदम उठा सकता है। बहरहाल आपको बता दें कि उनकी वाइफ जो है निकिता सिंघानिया, उनका अभी पक्ष सामने नहीं आया है, लेकिन उनके चाचा जो थे उन्होंने कल एक बाइट में ज़रूर कहा था कि निकिता जब आएगी तो वो सभी सवालों का जवाब देगी जिस तरह से अतुल ने उस पर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों को निकिता के चाचा ने यानी सुशील कुमार ने सिरे से इनकार कर दिया है कि सरासर ये सारे आरोप जो है वो गलत है, जिस तरह से अतुल लगा रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, ये जाँच का विषय है, आगे जाँच होगा।